मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि लखनऊ में आम का मेगा क्लस्टर बनेगा। यह परियोजना अगले 5 वर्षों में पूरी होगी। उन्होंने कहा कि अब लखनऊ में मलियाबाद और काकोरी फल पट्टी का आम देश और विदेश में काकोरी नाम से जाना जाएगा। इसी नाम से लखनऊ के आम की ब्रांडिंग भी होगी। इस परियोजना के लिए केंद्र से 100 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। गौरतलब है कि वर्ष 2005 में तत्कालीन सरकार ने लखनऊ के आम की ब्रांडिंग नवाब आम के नाम से की थी। मुख्यमंत्री ने ये बात अवध शिल्प ग्राम में आयोजित आम महोत्सव के उद्घाटन के समारोह में कही। उन्होंने उद्यान विभाग के अधिकारियों को सलाह दी कि हर साल 1 से 7 जुलाई के बीच आम महोत्सव आयोजित किया जाए और इसमें देश के विभिन्न राज्यों के आम के बागवानों को आमंत्रित किया जाए और इसके साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया जाए। उन्होंने कहा कि आम व अन्य फलों तथा सब्जियों के निर्यात बढ़ाने के लिए मांग और आपूर्ति के बीच समन्वय बनाते हुए उसकी गुणवत्ता बनाए रखना भी जरूरी है। उन्होंने परामर्श दिया कि कृषि विभाग के साथ उद्यान विभाग भी प्राकृतिक खेती के कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करे। लखनऊ के आम की वर्ष 2005 में तत्कालीन राज्य सरकार के नवाब आम के नाम से ब्रांडिंग की थी। नवाब आम के ब्रांड से तत्कालीन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी लखनऊ के आम भेजे गए थे। अब मुख्यमंत्री योगी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव में ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन से ब्रिटिश खजाना लूटने के क्रांतिकारियों के पराक्रम को याद में लखनऊ के आम की ब्रांडिंग काकोरी आम के नाम से करने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।